खबरां दी शुरुआत अहम खबर तो। पंजाब दे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बीते दिनी अमरीका दे इंडियाना पॉलिस विच फैडेक्स च होई गोलीबारी विच चार सिखां सने 8 जणियां दी होई मौत ते दुख ते हैरानी जाहिर कीती है। उन्हां एक ट्वीट करके कहा, इंडियाना पॉलिस विच फैडेक्स च होई गोलीबारी दी घटना जिस विच चार सिखां सने 8 व्यक्तियां दी मौत हो गई है तो काफी हैरान ने। इस दुख की घड़ी दे विच वाहिगुरु अगे पीड़ित परिवारां नूं बल बख्शन दी अरदास करदा हां। जिक्रयोग है कि अमरीका दे इंडियाना पॉलिस विच वापरी इस घटना विच 3 औरतां सने 8 व्यक्तियां दी मौत हो गई है। चंडीगढ़ दे विच वीकेंड लॉकडाउन शुरू होण जा रहा है। शनिवार अते एतवार ए वीकेंड लॉकडाउन जारी रहेगा। इस दौरान सिर्फ जरूरी समान दीआं दुकानां ही खुल सकणगीआं। इस तों इलावा किसी भी दुकान नूं खुलण दी इजाजत नहीं होएगी। अज वीकेंड लॉकडाउन दा असर चंडीगढ़ च वेखण नूं मिल रहा है। बाजारां दे विच सुन पसरी हुई है अते इस दे नाल ही आवाजाई बहुत ही घट विखाई दे रही है। दस दिए कि बीते दिन चंडीगढ़ च लगातार वध रहे कोरोना मामलिआं नूं लै के फैसला लिया गया सी अते अज चंडीगढ़ दे विच वीकेंड लॉकडाउन दा असर भी वेखण नूं मिल रहा है। परंतु प्रशासन वल्लों जरूरी सेवावां लई पास भी जारी कीते गए ने तां जो लोकां नूं किसी भी परेशानी दा सामना ना करना पवे। फरीदकोट दे पिंड दीप सिंह वाला च दिल दहलाउण वाली वारदात वापरी है। 60 साल दा शख्स दा कतल करके हथियारे उसका सिर वड के नाल लै गए ने। पूरी घटना फरीदकोट दे दीप सिंह वाला पिंड दी है। मृतक दा नाम पान सिंह दस्या जा रहा है जिसका इत्थे कतल होया है। ते सब तो वध दहलाउण वाली गल है कि कातिल बुजुर्ग दा सिर वड के नाल लै गए। फिलहाल मौके ते पुलिस पहुंची हुई है। इलाके दे विच दहशत दा माहौल है ते पूरी घटना दी जांच कीती जा रही है। हालांकि कतल क्यों कीता गया है, निजी रंजिश सी या कोई होर कारण सी उसका हजे तक पता नहीं चल सकया है। परिवार सदमे दे विच ते पूरे पिंड दे विच दहशत बनी हुई है। मौके ते पहुंची पुलिस वालों जांच कीती जा रही है। मुलजमां दी भाल जारी है। देश च कोरोना दा कहर लगातार वधदा जा रहा है। उत्थे सरकार दे वल्लों कोरोना तों बचाव दे लई जिथे लोकां नूं जागरूक कीता जा रहा है उत्थे सरकार वल्लों जारी कीतियां गईयां कोरोना संबंधी गाइडलाइंस नूं सख्ती नाल लागू करन दे आदेश भी दित्ते गए ने। इस दे बावजूद लोक कोरोना महामारी नूं हल्के च लै रहे ने ते अपने नाल होरनां दी वी जान जोखिम दे विच पा रहे ने। अजिहा ही तरनतारन मंडी च वेखण नूं मिलिया जिथे बिना मास्क पाए कर्मचारी काम करदे विखाई दित्ते। उत्थे मार्केट कमेटी दे दफ्तर दे विच वी अधिकारी ਬਿਨਾਂ ਮਾਸਕ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਸੂਬੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਕਣਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮਾਸਕ, ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜੋ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੋਖਲੇ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਸਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਾਸਕ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਲਿਆ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ? ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪੁੱਤਰਾ ਮਿੱਠੇ ਸੀ ਕਰਦੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਵੈਸੇ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਭਾਈ। ਕੋਈ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਾ ਕੋਈ ਨਾ ਪਾਣੀ, ਨਾ ਮਾਸਕ, ਨਾ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ? ਨਾ ਸਵੇਰ ਦੇ ਆਏ ਜੇ? ਹਾਂਜੀ ਸਵੇਰ ਦੇ। ਕਣਕ ਸਵੇਰ ਦੇ ਸਵਾਸਤੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ? ਨਾ ਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪੋਤਰਾ ਬੈਠੇ ਸਵੇਰ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੰਡੀ ਅਫਸਰ ਅਜੇਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ। ਤਰਨ ਤਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ 58 ਪੱਕੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 29 ਫੜ ਅਤੇ 6 ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲੀ ਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ 'ਚ 5494 ਟਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਰਚੇਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਪਨਗ੍ਰੀਨ ਨੇ 3191 ਟਨ, ਮਾਰਕਫੈਡ ਨੇ 1536 ਟਨ ਅਤੇ ਪਨਸਪ ਨੇ 767 ਟਨ ਦੀ ਪਰਚੇਸ ਕੀਤੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ 30x30 ਦੇ ਖਾਨੇ ਬਣਾਏ ਲਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਮਿਲੇ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਮਾਸਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਰ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕਿਸੇ ਮੰਡੀ 'ਚ ਲੇਬਰ ਕੋਈ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ,
मैं ये गल हमने तुम मैं मेरे ध्यान चाहती है तो मैं इमीडिएट करना वा मैं देखता वा तो जे कोई ऐसी गल पाई गई तो संबंधित मुलाजमान जोड़ा वा ये बारे पड़ताल कर ली जाऊगी मास्क का प्रबंध जी गल हैगी जी वो करवा दिता गया वा तो मंडिया च करवा दिते गए। खैर सुनिया तुसी किसानों का कहना है कि मंडियां च किसानों लई कोई पुख्ता प्रबंध नहीं है अते दूजे पासे अधिकारी दावा कर रहे ने कि उन्हां वल्लों पूरे पुख्ता प्रबंध किए गए ने परंतु असली सच्चाई की है ये तां जांच पड़ताल नाल ही सामने लियांदी जा सकती है। होशियारपुर रोड से भयानक सड़क हादसा वापरिया है जिस दौरान एक व्यक्ति की मौत होने का समाचार है। दरअसल बीती देर रात फगवाड़ा होशियारपुर रोड से कार ते कैंटर विचकार आमो सामने टक्कर हो गई जिस दौरान कार चालक की मौके पर ही मौत हो गई जिसकी सूचना मिलते ही थाना सिटी सदर के अधिकारी मौके पर पहुंचे और दोवें गड्डियां कब्जे के लै लिया गया। इस बारे जानकारी देंदे पुलिस अधिकारियों ने दसिया कि सूचना मिलते सार जदों ही वह मौके पर पहुंचे तो कार चालक की मौत हो चुकी सी। उन्होंने दसिया कि मृतक की पछाण राकेश कुमार वजो हुई है जिसकी लाश को सिविल हस्पताल भेज दिया गया तो कैंटर चालक को मौके पर गिरफ्तार करके मृतक के परिवारिक मैंबर के बयान के आधार के उत्ते अगली कार्रवाई शुरू कर दी गई है। हाँ जी सर, एक अपना खुरमपुरे के कोल एक एक्सीडेंट होया उहदे बारे कल जानकारी दिओ। हाँ जी, कल मिति 16/4/2021 माने एस आई हाजर थाना सी कि मुख मुंशी थाना ने दसिया कि खुरमपुर कोल्ड स्टोर के नज़दीक एक एक्सीडेंट होया मौके पर पुजो जिसते माने एस आई समेत साथी कर्मचारियों नूं हमराह लैके जो मौके पर पुजा उत्थे एक इंडिको कार ते टाटा 1109 कैंटर का आपस में एक्सीडेंट होया सी जिहड़ी कि राकेश कुमार सन ऑफ रामपाल वासी खुरमपुर जो PB016C2150 टाटा इंडिको सिल्वर रंग की गड्डी नूं चला रहा सी जिहड़ी कि कैंटर नंबर PB08CB8875 टाटा 1109 जिस नूं राज कुमार सन ऑफ सतपाल पिंड लखनवाल थाना जमशेर जिला जलंधर चला रहा है जिदे नाल टकरा के मौके के उत्ते जी राकेश कुमार की जी मौत हो गई है। राकेश कुमार सन ऑफ रामपाल की जी मौके पर मौत हो गई है। जिहड़ा ड्राइवर आ मौके तो गिरफ्तार कर लिया दूजी गड्डी का, इसके बाद डेड बॉडी जी सिविल हॉस्पिटल रखवा दी गई रात की, पर कार्रवाई लिए कोई बंदा हाजिर नहीं मिले। अज कार्रवाई लिए हाजिर आए हैं, उन्हों का बयान लिख के जोड़े बंदे मौके पर सी अगली कार्रवाई जी अमल से लिया जाए। सर गड्डिया दोनों ही कर लिया, गड्डिया दोनों कब्जा पुलिस में लिया गई ने जी, थाने के हाथ च खड़िया ने जी। किन्ने क बजे करीब होया है सर? ये करीब 8:30 की गल है जी शाम। तो की कार्रवाई की? ये तो परचा देता जी 279/384। हरियाणा समेत पछमी उत्तर खेतर दे विच शुक्रवार शाम हनेरी दे नाल बूंदाबांदी जां हल्के मीह नाल मौसम सुहावना हो गया। खेतर विच अगले 24 घंटियां दे विच किते किते हनेरी अते गर्ज दे नाल गड़े पैण दे आसार ने। मीह जां बूंदाबांदी तो बाद मौसम अगले 48 घंटे खुश्क रहेगा अते इस तो बाद 20 अप्रैल नूं मौसम खराब होण दी संभावना है। चंडीगढ़ अते इस दे नाल लगदे नेड़े तेड़े दिन भर हल्के बदल छाए रहे अते विच विच धुप वी रही। दिल्ली NCR वालियां नूं वी गर्मी तो थोड़ी राहत मिली। दोपहर बाद मौसम का मिजाज बदल गया। मौसम महकमे ने अगले 24 घंटे मध्य पर्वती मैदानी जिले मीह हनेरी बिजली गर्जन की चेतावनी जारी की हुई है। 22 अप्रैल तक पूरे सूबे मौसम खराब रहने का अनुमान है।